नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आपके सामने जो है एक मुद्दा जो लेकर आया हूँ और काफ़ी वायरल है, कई दिन से, दो तीन दिन से वायरल है। हरियाणा 1008 पर भी आपने वीडियो देखी होंगी, तनुजा वाला जो मामला है, जो ठरू गांव की बेटी जुआ गांव में जिसकी शादी कर रखी थी, 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी और अभी जो है 2-4 दिन पहले वो ससुराल में जो उसकी मृत्यु हो जाती है। ससुराल पक्ष के जो लोग हैं उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, मायके वालों ने जो आरोप जो लगाए हैं कि भाई बार बार जो है दहेज के लिए वो है उसको प्रताड़ित कर रहे थे। और तनुजा ने भी जो एक वीडियो क्लिप बना के जो है वो अपने मायके वालों के पास उसने भेजी थी। सबसे पहले तो मैं वो क्लिप एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। और फिलहाल जो है ताज़ा अपडेट ये है कि जो आरोपी जो इसमें जो हैं जिनके नाम आए हैं 4 लोगों के, वो चेहरे जो है मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बार वो जो वीडियो क्लिप जो तनुजा ने जो डाली थी वो एक बार थोड़ी ही मैं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि हरियाणा 1008 पर कुछ लोग नए भी जुड़े होंगे जिनको इस मामले का नहीं पता है, उनको इस मामले से अवगत कराना चाहूँगा। एक बार वो वीडियो क्लिप आप देखिए। अरे मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले और मेरी ननंद, इन सब की जाजी है यार, इन सब ने इतना मजबूर करी हूँ मैं। ये वो वीडियो क्लिप है जिसमें तनुजा साफ साफ कह रही है कि ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। और शादी जिस टाइम पे उसकी हुई 6 महीने पहले, उस टाइम पे भी जो है जब रिश्ता जो हुआ, रिश्ता होने के कुछ दिन बाद ही तनुजा के ससुर ने गहनों की डिमांड जो है रखी थी अपने परिवार के सदस्यों के लिए, तनुजा के परिवार वालों के सामने। वो भी तनुजा के भाई ने जो हमें बताया है, वो क्लिप भी एक बार आप सुन लीजिए। हमारी जो सिस्टर थी उसके ससुर द्वारा ये हमसे शादी से कुछ ही दिन पहले हमसे ये डिमांड की गई कि मेरे भाई की और मेरे भाई की वाइफ की भी हमें गहने चाहिए। गहने चाहिए? हाँ जी जी। तो फिर वो आपने मतलब अवेलेबल करवाए? वो भी हमने मजबूरी बरसाते हुए हमने वो अवेलेबल करवाई जी उनको। और उसके बाद एक मामला और फिर सामने आया कि जिस दिन तनुजा की जो शादी थी, बारात आनी थी, तनुजा के मायके वाले बारात का इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी लेट जो लोग हो गए थे, फिर उनका जो फ़ोन आया, ये तनुजा के मायके वालों ने, तनुजा के भाई ने हमें बताया है कि उनका फ़ोन आया कि बारात तब आएगी जब आप 10 लाख रुपए देने की हाँ अगर करोगे तो बारात आएगी। वो क्लिप भी एक बार मैं आपको सुनाना चाहूँगा। शादी के दिन ही उन लोगों ने फिर से दोबारा से 10 लाख रुपए की डिमांड कर ली जी हम लोगों से। शादी वाले दिन जिस दिन बारात लेके आए थे, जिस दिन बारात लेके आए थे, बारात तब बारात का टाइमिंग 2 बजे का था और रात को 9 बजे बारात लेके आई। आप भी लोग समझ सकते हैं, 2 बजे हमें 12 बजे फोन कर दिया गया कि हमें कैश में 10 लाख रुपए और चाहिए। फिर उसके बाद जो है तनुजा की शादी हो जाती है, 10 लाख रुपए इन्होंने जो है, इनका कहना है कि वो हमने उनको चेक दे दिया था, और उसके बाद उसकी शादी हो जाती है। लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर जो है तनुजा को फिर वापस भेज दिया जाता है और 10 लाख रुपए की मांग जो है दोबारा से फिर दोहराई जाती है। वो भी मैं आपको एक बार सुनाना चाहूँगा। शादी होने के बाद फिर उसकी जी ननंद और जो उसकी सासू थी वो बोलने लगी, तो गहने बहुत कम लेके आई, तो तुम लोगों ने हमको बहुत कम दिया, गहने और भी देने थे, तूने क्या लिया, तेरे घर वालों ने क्या दिया तेरे को, तो ऐसे ही प्रताड़ना कर करके बार बार गहनों के लिए और पैसों के लिए बार बार उसको तंग किया जा रहा था। और बाद में इतना तंग कर दिया गया, बार बार तंग करके हमारे घर पे ये सिस्टर दोबारा से वापिस आ गई। शादी के कितने दिन बाद आई दोबारा? शादी से 10 से 15 दिन, हम आप लोगों को तुरंत डेट तो नहीं बता सकते, मगर 10 से 15 दिन के बाद हमारी सिस्टर हमारे घर पे ही आ गई थी जी। कितने दिन रही फिर वो? फिर यहाँ पे 1 से 1.5 महीना वो यहीं पे रही जी। शादी होने के 10 दिन बाद ही वापस आ जाती है और 1-1.5 महीना यहाँ पे रही? यहाँ पे रही जी। उसके बाद क्या कुछ हुआ? उसी के बाद यही जी, उसके बाद हमने फिर भी उनकी डिमांड फुलफिल करी सिस्टर, हमने ये और जो गहने जो मांग रहे थे वो दिया आपने? हमने सब कुछ उनके हर एक डिमांड फुलफिल करी और सिस्टर, हमने ये बोला कि भाई, वो बोले कि भाई सिस्टर के खाते में और 10 लाख रुपए डलवाओ, तो हमने सिस्टर के खाते में भी 10 लाख रुपए डलवाए। वो बोले हम ये 10 लाख रुपए का जो चेक दिया था उन्होंने वो कैश नहीं करवाया, बोले हमें 10 लाख नहीं चाहिए और ज्यादा चाहिए। तो तनुजा के भाई का जो कहना है कि 10 लाख रुपए जो है इन्होंने फिर तनुजा के अकाउंट में डाल दिए थे, और अकाउंट में डालने के बाद जो है
वो लोग उसको वापस जो है लेके गए थे, लेकिन फिर भी जब इतना टॉर्चर उन्होंने जो इन किया है और बार बार जो है इन लोगों ने उनकी मांगे पूरी की हैं, तो फिर भी तनुजा आज हमारे बीच में क्यों नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि दहेज एक ऐसी बीमारी है हमारे समाज में कि दहेज जब लोग कोई मतलब मांगना शुरू कर देता है तो फिर उनकी डिमांडें जो है बढ़ती चली जाती हैं, और वही जो बात है इस मामले में जो है देखने को मिल रही है, यही बात इसमें सामने आ रही है कि मायके वाले बार बार उनकी मांगे पूरी कर रहे थे, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों की जो मांग थी, डिमांड थी, वो बढ़ती जा रही थी। तनुजा को बार बार टॉर्चर किया जा रहा था, तो इसी चीज़ को लेकर जो है आज जो है तनुजा हमारे बीच में नहीं है। और फिलहाल जो है अब जो है मुद्दे पे आते हैं, जो उन लोगों के जो चेहरे जो सामने लेके आने की जो बात है, जो परिवार वालों ने जो हमें अवेलेबल करवाए हैं वो तस्वीरें उनकी, उन लोगों की, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले वैसे तो आप देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से जो हमारे जो नए जो व्यूअर हैं उनको मैं दिखाना चाहूँगा तनुजा के हस्बैंड की वो तस्वीर, जो हरियाणा पुलिस में जो कार्यरत हैं। आप साइड में जो फोटो देख रहे हैं ये अमरजीत की फ़ोटो है, इसी के साथ जो है 6 महीने पहले तनुजा की शादी हुई थी, अमरजीत हरियाणा पुलिस में है। और दूसरी जो फ़ोटो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा अमरजीत के पिताजी की, अमरजीत के पिताजी जय सिंह जिनका नाम है, आप साइड में जो फ़ोटो देख रहे हैं ये जय सिंह है, ये अमरजीत के पिताजी हैं, ये तनुजा के ससुर हैं, जिन्होंने शादी से पहले ही, रिश्ता होने के बाद शादी से पहले ही जो है जिन्होंने डिमांड कर दी थी, ये मायके वालों ने जो बताया है कि इसी आदमी ने जो है पहले डिमांड की थी, सबसे पहले अपने भाई के लिए और उसकी पत्नी के लिए ये गहनों की डिमांड कर रहा था कि मेरे भाई के लिए भी आप गहने दो, उसकी पत्नी के लिए भी आप गहने दो। ये वही जय सिंह की तस्वीर आप देख रहे हैं जो परिवार वालों ने जो हमें अवेलेबल करवाई है, और उन्हीं ने जो है इन्हीं सब बातों से जो है मीडिया को अवगत कराया है कि इस तरह की ये लोग डिमांड करे दे। और तीसरी जो तस्वीर है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो तनुजा की जो ननंद है जिसका नाम बिंदु बताया जा रहा है, आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये बिंदु की तस्वीर है, इसके द्वारा भी जो है बहुत ज़्यादा तनुजा को टॉर्चर किया जा रहा था। जिस तरह से परिवार वालों ने बताया है कि बार बार जो है ये उसको यही कहती थी कि ये अपने मायके से क्या लेके आई है, ये मतलब बार बार उसको जो है टॉर्चर किया जा रहा था दहेज को लेकर। और ये जो बिंदु जो है ये सरकारी पद पे जो है कार्यरत है, एजुकेशन लाइन से जुड़ी हुई है, और जुआ गांव में ही, ये जुआ गांव की लड़की है और जुआ गांव में ही जो है इसकी ड्यूटी है, तो इसलिए जो है काफ़ी इसका आना जाना लगभग रोज़ाना का इसका आना जाना अपने मायके में लगा रहता था। और बार बार जो है बताया जा रहा है कि ये तनुजा को टॉर्चर करती थी दहेज को लेकर, ये वो बिंदु है। और चौथी जो तस्वीर जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा आप देख रहे हैं, ये है तनुजा की सास जिसका नाम विद्या है, ये तनुजा की सास है। मतलब घर में इतनी बड़ी जो है बुजुर्ग होने के बाद जो है इसने ना तो अपने बेटे को समझाने की कोशिश की, ना अपने पति को समझाने की कोशिश की, ना अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की। जो है ये भी मतलब एक वो कहते हैं कि बहू भी बेटी ही होती है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि इस औरत ने जो है तनुजा को अपनी बेटी नहीं माना, और जो है आज जो है इन सब के जो है मतलब इन सब के द्वारा टॉर्चर होने के बाद जो है आज तनुजा जो है हमारे बीच में जो है नहीं है, ये परिवार वालों का कहना है। और परिवार वाले जो है बार बार जो है आरोप लगा रहे हैं और इसमें जो है अपील भी कर रहे हैं, और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई जो की जा रही है उसमें बताया गया है कि दो लोग इसमें अरेस्ट हो चुके हैं, एक तो अमरजीत और एक उसके पिताजी जो तनुजा के जो ससुर हैं जय सिंह, ये दो लोग इसमें अरेस्ट हो चुके हैं। और परिवार वालों का कहना है कि उसकी ननंद और उसकी सास जो है वो अभी तक जो है अरेस्ट नहीं की है, बार बार परिवार वाले जो है अपील कर रहे हैं प्रशासन से कि भाई उन लोगों को भी अरेस्ट किया जाए और उस मामले में जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन लोगों के ऊपर की जानी चाहिए, ये परिवार वालों की जो है बार बार जो है अपील है प्रशासन से। तो भाई मामला जो है आपने पूरा देख लिया, और पहले वाली जो वीडियो जो है जिन्होंने जो नहीं देखी है आप हरियाणा 1008 पे वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो है मैं उनका लिंक डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, आपको पूरे मामले से आप अवगत हो जाएंगे कि क्या कुछ मामला है और
किसने मतलब क्या बात कही है, किसने जो है तनुजा को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है, किन किन बातों को लेके किया है, वो सारी बातें प्रॉपर तरीके से जो है उन दोनों वीडियो में जो है बताई गई हैं, जिसमें एक वीडियो में तनुजा के भाई हैं हमारे साथ हरियाणा 1008 पर जुड़े थे, वो उन्होंने जो है पूरा रिश्ता होने से लेकर और तनुजा की जो आखिरी सांस तक की जो बातें जो उन्होंने जो बताई हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली जो बातें उन्होंने जो बताई हैं, वो आप हरियाणा 1008 की उस वीडियो में आप देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है उसको मिल जाएगा उनका। और दूसरी वीडियो में जो है तनुजा की माँ और तनुजा की चाची जो हमारे साथ जो जुड़ी थी, उन्होंने दोनों ने जो बताया था कि इसमें एक मामला और भी सामने आया था कि तनुजा के ससुराल वालों द्वारा तनुजा को कहा जा रहा था कि आप अपनी माँ से बात नहीं करोगे कभी भी, उसको बार बार इस बात को लेकर भी टॉर्चर किया जा रहा था, वो बात भी जो हमारे सामने आई है कि क्यों उसको उसकी माँ से जो है बात करने से मना किया जा रहा था, वो भी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। आप वो वीडियो भी हरियाणा 1008 के पे जाके आप देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक जो आपको मिल जाएगा, तो दोनों वीडियो आप देखिए। और इस मामले में अगर कोई भी और भी कोई नई अपडेट अगर सामने आती है उससे भी जो है हम आपको अवगत कराएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले जो है आपके पास पहुंच जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना ताकि जो हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उन तक जो है ये वीडियो पहुंच जाए। और एक बात और भी जो मैं बता दूं, एक सोशल मीडिया का जो प्रेशर जो होता है वो मतलब समाज में जो बढ़ रहे जो अपराधों को रोकने के लिए मतलब एक अहम जो योगदान जो है सोशल मीडिया जो निभा रहा है, इसमें हमारे सभी साथी इसमें शामिल हैं, सभी जो बार बार जो है प्रताड़ित जो लोग हैं उनको जो मीडिया पे लेके आते हैं और उसके बाद जो वो है अपराधियों के नाम जो इसमें दिखाए जाते हैं, उनके चेहरे दिखाए जाते हैं, उस सब से जो है लेकर बार बार जो है ये चीज़ दिखाने के बाद एक अपराध के ऊपर जो है नकेल कसने में जो है प्रशासन का जो है साथ दे रही है मीडिया। और कई बार जो है हमने देखा है कि जो भी जो बात अगर कोई ऐसी सामने आई है किसी अपराधी का जब नाम जो है उसका फ़ोटो चेहरा जब हमने जो दिखाया है तो प्रशासन ने भी जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है, उस बात के लिए भी हम प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रशासन जो है मीडिया का साथ भी दे रहा है और मीडिया प्रशासन का जो साथ दे रहे हैं, तो सब जो है मिलजुल कर हमारी जो हम मुहिम यही है कि भाई किसी ना किसी तरह जो है अपने जो समाज को अपराध मुक्त किया जाए। कोशिश तो बहुत सारी कर रहे हैं लेकिन आप लोगों के भी साथ की ज़रूरत है। आप लोग जुड़े रहिए हरियाणा 1008 पर और देखिए इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, वो आप उसका आप इंतज़ार कीजिए, क्या कुछ जो निकल के आएगा इस मामले में वो हम आपको उस मामले से इस पूरे मामले से जो है अवगत कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ है। मैं लेता हूँ इजाज़त, कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं दिनेश कुमार, जय हिंद जय हरियाणा।